uniform solid cylinder. सोलिड सिलेंडर जैसा हम जानते हैं कि सोलिड सिलेंडर बेसिकली एक डिस्क है, ज्योमेट्रिकल शेप की बात करेंगे तो इसका एक डिस्क है लेकिन इसमें कुछ हाइट होता है। तो मान लीजिए कि इसका टोटल मास है एम, रेडियस है आर, राइट, और इसका हाइट है एच, कुछ भी ये होगा तो हमको इसी से मतलब है। तो अब इसमें देखें हम सोलिड सिलेंडर, अब क्या करेंगे कि नॉर्मली हम जानते हैं कि इसमें एक एलिमेंटल डिस्क लेंगे, जैसे मान लिए कि एक एलिमेंटल डिस्क लिए, ये इस तरह की डिस्क होगी, आप इमेजिन कीजिए जस्ट, नाउ दिस इज एलिमेंटल डिस्क और इसका मास हम ले लेते हैं डीएम, ये एलिमेंटल डिस्क का मास है डीएम, राइट। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, डी आई विल बी इक्वल टू क्या होगी, डिस्क है, डिस्क का हम डिराइव कर चुके हैं, इट इज हाफ एम आर स्क्वायर और इसका मास कितना है डी एम, तो इन टू आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इसका कॉन्स्टेंट ही है, राइट, तो हाफ डी एम स्क्वायर और देयर फॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम की हम बात करेंगे तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई और इंटीग्रेशन ऑफ डी आई ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर यहां पर है कॉमन और यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब ये जितने एलिमेंटल डिस्क का बना हुआ है इस डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, दिस विल गिव द टोटल मास ऑफ द डिस्क एंड देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट हाफ डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो एम और आर स्क्वायर, राइट, जो एक डिस्क के लिए ही है, ये फॉर्मूला एक डिस्क के लिए ही है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर एक शेप की बॉडीज हो, अगर एक ही शेप की बॉडीज हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, जैसे डिस्क के लिए वही फॉर्मूला होगा जो सिलेंडर का।